दोस्तों, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ब्रांडिंग, मार्केटिंग और मार्केट में अपनी पहचान बनाना मुश्किल लग रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे लेकर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे और आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर के ट्रस्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इंडिया में 2 से 3 बिजनेस ऐसे हैं जो कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे। वो मार्केट में आज भी है, पहले भी थे और आने वाले टाइम में भी उनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। उसमें से एक है कपड़ों का बिजनेस, और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हर घर में सबसे ज्यादा कपड़े महिलाएं खरीदती हैं, तो कपड़ों के बिजनेस में भी वुमेन्स वेयर का बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन किसी भी बिजनेस में जब कोई नया नया आता है या फिर पहली बार शुरू कर रहा है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे जायंट कॉम्पिटिटर पहले से ही मौजूद है तो उन्हें टक्कर कैसे दे पाएंगे, नया नया ब्रांड लॉन्च करेंगे तो क्या कस्टमर को ट्रस्ट होगा, बिजनेस की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कैसे करेंगे, अगर बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम आई तो गाइडेंस किससे लेंगे, अगर माल नहीं बिक पाया तो बचा हुआ ओल्ड फैशन स्टॉक कैसे बेच पाएंगे, अच्छा मैन्युफैक्चरर कैसे और कहां मिलेगा जिससे थोड़ा सस्ते में अच्छा माल मिल जाए, वगैरह वगैरह। और हर क्लोथ बिजनेस में ये सभी प्रॉब्लम्स तो कॉमन है ही, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस तरह का बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। तो अगर आप भी उन लोगों में से जो कपड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक कंपनी ऐसी भी है जो आपको वुमेन्स वेयर के बिजनेस में हेल्प करने वाली है, इनफैक्ट आपको बिजनेस करवा के देने वाली है। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम बताने से पहले अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है इशिता हाउस, जो कि एक सूरत बेस्ड लेडीज वेयर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सूरत स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही जाना जाता है। ये कंपनी लोगों को फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करती है, और अगर कोई रिटेलर इनसे होलसेल प्राइस में वुमेन्स वेयर खरीदना चाहता है तो वो भी इनसे सस्ते दामों में अच्छे कपड़े खरीद कर अपने यहाँ पर सेल कर सकता है और अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी 25 साल से इसी इंडस्ट्री में है और बदलते हुए फैशन ट्रेंड के साथ में अलग अलग तरह से वुमेन्स वेयर डिजाइन करती है। फिलहाल इस कंपनी के साथ में 75,000 से ज्यादा रिटेलर, ट्रेडर और होलसेलर जुड़े हुए हैं और अपना वुमेन्स वेयर का बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में 25 से ज्यादा कंट्रीज में भी अपने कपड़ों को एक्सपोर्ट करती है, और अब तक इन्हें इनके बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिलहाल कंपनी अपने बिजनेस को पैन इंडिया लेवल पर ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, इसलिए फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। तो अगर आप वुमेन्स वेयर का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, कंपनी आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जो आपके बिजनेस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि नंबर 1, नो रॉयल्टी। जब आप कंपनी से जुड़ेंगे तो आपको कंपनी को सिर्फ 1 टाइम ब्रांड फीस देनी होगी। उसके अलावा कंपनी आपसे किसी भी तरीके की रॉयल्टी फीस नहीं लेने वाली है, यानी आपको कंपनी से सिर्फ माल खरीदना है, उसको बेचने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा आपका होगा। दूसरा, ट्रेनिंग सपोर्ट। आप कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे बेचना है, उनके सामने प्रोडक्ट को कैसे पेश करना है, उन्हें कन्विंस कैसे करना है, साथ ही साथ अपने आउटलेट की मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सब चीजों की भी ट्रेनिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। तीसरा बेनिफिट, कस्टमर सपोर्ट। फ्रेंचाइजी लेने के बाद में अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप कंपनी के 24/7 कस्टमर केयर टीम से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चौथा, मार्केटिंग सपोर्ट। जब आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेंगे तो शुरुआत में कंपनी आपके आउटलेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग करने में भी आपकी हेल्प करेगी। पांचवा, ब्रांडिंग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नया बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट में पहचान ना होने की वजह से उनके पास कस्टमर बहुत लेट आते हैं, लेकिन इशिता हाउस की फ्रेंचाइजी लेने से आपको इनका ब्रांड नेम और 25 साल की एक्सपर्टीज भी मिलेगी, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। छठा बेनिफिट, विदाउट ब्रांडिंग। देखिए, इनकी फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए वैलिड होता है, उसके बाद में आपको वापस से रिन्यू कराना होता है। अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो भी आप कंपनी से एज ए रिटेलर स्टॉक खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे एक्सपांड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इशिता हाउस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कंपनी 3 तरह के मॉडल में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, मॉडल A, मॉडल B और मॉडल C। तो दोस्तों, मॉडल A में एरिया की रिक्वायरमेंट होगी 250 से लेकर 300 स्क्वायर फीट की, और मॉडल A में आपको कम से कम 2 स्टाफ रखने होंगे। अगर मैं मॉडल B की एरिया रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आपके पास में कम से कम 500 से लेकर 650 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और आपको कम से कम 5 स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं मॉडल सी की बात करूं तो आपके पास में 900 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और स्टाफ में कम से कम आपको 10 स्टाफ लगने वाले हैं। यहाँ अलग अलग फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रोडक्ट और वैरायटी भी मिलेगी, जिसकी वजह से आपके आउटलेट को एक्सक्लूसिविटी भी मिलेगी। जैसे अगर आप मॉडल ए लेते हैं तो आपको स्टॉक में सिर्फ साड़ी मिलेगी और 2 से 3 किलोमीटर की एक्सक्लूसिविटी भी मिलेगी। मॉडल बी में आपको ऑल टाइप ऑफ लेडीज वेयर मिलेंगे और आपके एरिया में 3 से 5 किलोमीटर की एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, और मॉडल सी में आपको ऑल टाइप ऑफ लेडीज वेयर बेचने का मौका मिलेगा और 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, मतलब उतने
अपने एरिया में कंपनी किसी और को इस मॉडल की फ्रेंचाइजी नहीं देगी। अब चलिए बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि आपको अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग लगने वाला है। अगर हम मॉडल ए की बात करें तो उसमें ब्रांड फीस आपकी लगेगी 1,00,000 रुपया, जिसमें आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, तो टोटल आपका 1,18,000 रुपया हो जाता है। अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो उसका आपका लगेगा 5,00,000 रुपया प्लस जीएसटी, तो रफली मैं 5,00,000 रुपया पकड़ता हूं। अगर मैं आपके आउटलेट की इंटीरियर कॉस्ट पकड़ू तो उसका होगा 5,00,000 रुपया। मार्केटिंग और रॉयल्टी आपको अलग से नहीं देनी है। तो इस तरीके से मॉडल ए के लिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 11,18,000 रुपए का। अगर मैं मॉडल बी के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो उसमें भी आपकी ब्रांड फीस 1,00,000 प्लस 18% जीएसटी लगेगी, जो कि होता है 1,18,000। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो भी ब्रांड फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है। मॉडल बी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपका लग जाएगा 10,00,000 रुपया प्लस जीएसटी, यहाँ पे मैं 10,00,000 रुपया पकड़ता हूँ। और अगर मैं आपके आउटलेट की इंटीरियर की कॉस्ट पकड़ू तो वो पकड़ लीजिए आप 10,00,000 रुपया। तो इस तरीके से मॉडल बी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगने वाला है 21,18,000 रुपए का। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉडल सी के इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें भी आपकी ब्रांड फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो होगी 1,00,000 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 1,18,000 रुपए। इस मॉडल में आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लगेगा 25,00,000 रुपया प्लस जीएसटी, लेकिन यहाँ पे मैं रफली 25,00,000 ही पकड़ता हूँ। इस मॉडल के इंटीरियर कॉस्ट को आप पकड़ लीजिए 25,00,000 रुपया। मार्केटिंग और रॉयल्टी के लिए आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी की तरफ से किया जाएगा। तो मॉडल सी के लिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो लगेगा 51,18,000 रुपए का। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। देखिए वैसे तो किसी भी बिजनेस में आपका प्रॉफिट आपकी मार्केटिंग और नंबर ऑफ कस्टमर पर डिपेंड करता है, तो जितने ज्यादा कस्टमर आपके यहाँ पर आएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। पर अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की, तो आपको हर प्रोडक्ट पे 30-60% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। और इसके साथ ही कंपनी ये दावा करती है कि 3-4 महीने में आप अपना आरओआई रिकवर कर लेंगे। आरओआई का पीरियड और भी कम हो सकता है अगर आपके आउटलेट का लोकेशन ऐसी जगह पर हो जहाँ पर लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो। तो दोस्तों ये थी इशिता हाउस की फ्रेंचाइजी से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप किसी ऐसे फ्रेंचाइजी या फिर ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल सके, तो आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।